खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम लोग ने अनियंस काट के रखे हैं। अनियंस ये जो रेशो है वो 4 अनियंस हम लोग ने स्मॉल साइज में, बहुत बारीक साइज में कट किया है। आप लोग को बारीक साइज में ही कट करना है। ये 6 से 7 ग्रीन मिर्चीज मैंने कट की है, और ये थोड़ा सा जिंजर लिया हुआ है, और ये लहसुन है छोटा छोटा काट के रखा। गाइज इसको मैंने डायरेक्टली काटने वाला वीडियो नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ वीडियो लेंदी ना हो जाए। एंड हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट है जो पनीर में बहुत ज़्यादा पड़ता है वो है टमाटर, टमाटर की प्यूरी। तो हम लोग ने 3 टमाटर का प्यूरी बना के रेडी कर लिया गाइज। आप लोग को ऐसे ही सेप में ग्रेट कर लेना है मिक्सर में। ये देखिए ओके, अभी हम लोग उसको बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे बनता है। स्पून ऑयल डालना है बिकॉज ये पनीर की सब्जी है, तो आप लोग इसमें ऑयल में कोई भी कटौती नहीं कर सकते हो। हम लोग ऑयल डालना पड़ेगा बिकॉज नहीं तो फिर ऑनियन अच्छे से पकेंगे नहीं और वो एकदम नॉर्मल सब्जी जैसा हो जाएगा। तो गाइज जैसे कि बताया आपको मैंने, 4 टेबल स्पून हम लोग ऑयल डालने के बाद हम लोग को 1 टीस्पून घी भी ऐड करना है। सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको फॉलो ही करना है, नो ऑप्शंस। गाइस हमारा जो ऑयल है और घी है दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम लोग को हल्का हल्का इसको भून लेना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है गाइस। अभी इसमें हम डालेंगे जीरा, देख लो गाइस आप लोग, और इसमें मसाले पड़ते हैं तो आप लोग को मसाले अच्छे से डालना है। जैसे कि स्टार्ट करता हूँ मैं ये हल्दी पाउडर से। हम लोग ने हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून है ये। हम लोग ने धनिया पाउडर यूज कर लिया है, 1 टीस्पून ये भी है। फिर हम लोगों को हमारा जीरा पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून। ये हम लोग का गरम मसाला है वो भी 1 टीस्पून। और ये हमारा रेड मिर्ची पाउडर ये भी हम लोग को ऐड कर लेंगे, डालना है। और कांदे डालना है ढेर सारे, और ये कांदे जो है पकते रहेंगे। साइड में हम लोगों को थोड़ा सा लहसुन भी डाल देना है और उसको भी पका लेना है। उसकी फ्लेमिंग बहुत अच्छी आ रही है, हम लोग ने अच्छे से अनियन मिक्स कर लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इसी टाइम में हम लोगों को हमारा नमक ऐड करना है। तो नमक हम लोग को अच्छा खासा डालना है बिकॉज ये ग्रेवी बन रहा है। ग्रेवी के बाद और भी इंग्रेडिएंट पड़ते जाएंगे जैसे जैसे नीड लगेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हल्का हल्का ऑयल कांदे को भून रहा है, तो हम लोग इसी स्टेज पे इसको इसको हम लोग कम से कम 3 से 4 मिनट तक ढके रहेंगे और इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे। फिर 3 मिनट 4 मिनट 3 मिनट जब तक ये कांदा एकदम गल ना जाए। अभी हम लोगों का थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप्स आ गए हैं। ये कांदा एकदम भून गया है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लाइट ऑन कर लिया है। अब ये स्टेप्स पे हम लोगों को थोड़ा सा बेसन ऐड करना है जिससे हम लोग की ग्रेवी अच्छे से थिक बने। और ये जितने ढाबे वाले होते हैं ना गाइस, ये सारे इस नुस्खे को आजमाते हैं, इसलिए ऐड किया है बिकॉज हम लोग को जिंजर की फ्लेमिंग चाहिए। तो हल्का सा ही ऐड करना, ज़्यादा हम लोग को जिंजर नहीं चाहिए। एंड इसको स्लाइटली मिक्स करना है और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पेस्ट, टमाटो पेस्ट प्यूरी। इसी स्टेज पे हम लोगों को अच्छे से मिक्स करना है इसको और फिर से ढक देना है जब तक का टमाटर पानी ना छोड़े। ओके अभी हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेवी। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम लोग की ग्रेवी ऑलमोस्ट अब रेडी है, वो हो गई है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेट करेंगे मिक्सर में, आप लोग अच्छे से देखो। ठीक है, अभी ये हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे। हम लोग की ग्रेवी एकदम ठंडी हो गई है। अभी इस ग्रेवी को जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं जूम भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ग्रेवी को हम लोग को जस्ट
मिक्सर में ग्रेट करना है, उसके बाद आपको मैं टेक्सचर दिखाता हूँ। इसमें मैं डाल देता हूँ, एकदम थिक बना हुआ है। फिर ये हम लोगों ने अच्छे से मिक्सर में ये कर लिया है, डाल दिया है, और इसको बंद करके हम लोग को ग्रेट कर लेना। तो आप लोग भी ऐसे कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हम लोग का प्रॉपर ग्रेवी हो गया। ये थोड़ा टफ है, इसके वजह से लोगों को थोड़ा सा मिक्सर आवाज कर रहा था। बाकी ये ग्रेवी ऐसे ही होटल की ग्रेवीज रहती हैं गाइस। ग्रेवी रेडी है,